गुड मॉर्निंग एवरी वन, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू अन अकेडमी, लेट्स क्रैक UPSC CSE हिंदी। और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे एम लक्ष्मीकांत भारत के संविधान और राजव्यवस्था के इस एक और बेहतरीन सेशन में। सबसे पहले तो आप मुझे बताइए कि क्या आप लोग मुझे सुन पा रहे हैं? ऑडियो क्लियर है एकदम? सभी को गुड मॉर्निंग। और एक बार ज़रा मुझे थोड़ा सा आप लोग कमेंट करके बता दें कि आवाज़ मेरी आ रही है ठीक से? किसी तरह का कोई पिछले या लास्ट टाइम जैसा ऑडियो का इशू तो नहीं आ रहा है? परफेक्ट। तो इस बार ऑडियो बिल्कुल ठीक है, मतलब हम लोग अपनी क्लास कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एम लक्ष्मीकांत की ये सीरीज़ हमारी पिछले साल से चल रही है, और यदि आप इसके पुराने सेशन देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी एम लक्ष्मीकांत की, मेरे इस सीरीज़ की। इसमें अभी तक 76 सेशन हमारे हो चुके हैं और आज हम करने वाले हैं 77 सेशन। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि जल्द ही मैं आप लोगों के लिए 77th पार्ट लेकर आने वाला हूँ। और ये जो बुक हमारी एम लक्ष्मीकांत लाइन बाय लाइन वाली चल रही है, तो इसमें जो जो बचा हुआ पोर्शन है, जो जो बचा हुआ भाग है, वो हम लोग जल्दी ही कवर करने वाले हैं। तो आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक के बारे में, जहाँ से हमने पिछली बार छोड़ा था। पिछली बार मैंने आपको CVC पढ़ाया था लास्ट में। पार्ट 76 जो हमने पढ़ा था, उसमें हमने पढ़ा था केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के बाद में जो अगला हमारा टॉपिक है इस बुक में, वो है CBI, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं भारत के उस जांच एजेंसी के बारे में जिसके चर्चा के बिना शायद ही हिंदुस्तान का कोई दिन निकलता हो। आप सभी जानते हैं कि CBI भारत सरकार की एक जाँच एजेंसी है और लगभग हर दिन चर्चा में, विवादों में बनी रहती है। अभी दिल्ली में जो वहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं, उनके मामले को लेकर अभी CBI लगातार चर्चा में है। CBI को लेकर वैसे भी काफ़ी सारी बातें होती रहती हैं, इसके अधिकार क्षेत्र को लेकर, और कई सारे क्वेश्चंस भी CBI से आते रहे हैं। यदि आप UPSC का पुराना पेपर देखे हों और अगर आपने PYQs देखे हों, तो 2021 में CBI से एक क्वेश्चन मेन्स में UPSC ने पूछा था कि क्या CBI में जो अविश्वास बढ़ता जा रहा है राज्यों का, तो क्या ये हमारे कमज़ोर संघवाद को रेखांकित करता है? कहीं ना कहीं CBI की भूमिका चर्चा में तो रहती ही है, विवादों में तो रहती है, लेकिन इसकी भूमिका है भी बड़ी महत्वपूर्ण। तो CBI के बारे में जो कुछ भी आपको इस टॉपिक में दे रखा है, उस पर मैं आपसे बात भी डिस्कस करने वाला हूँ। हम देखेंगे कि आखिर CBI क्या है, CBI क्या करती है, इसका गठन कब हुआ, कैसे हुआ, इसका कार्यक्षेत्र क्या है, इसकी शक्तियां क्या है, और आखिर CBI को लेकर इतने विवाद क्यों होते हैं? ऐसा क्या है जो CBI को भारत में एक जांच एजेंसी के साथ साथ एक विवादित एजेंसी बना देता है? तो बने रहिएगा लास्ट तक, हम लोग डिस्कस करेंगे CBI के बारे में कंप्लीट, और CBI नहीं, इसके बाद वाले चैप्टर्स भी जो आपके लक्ष्मीकांत के बचे हुए हैं, वो भी एक एक करके हम लोग कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग साथ देते रहिए, जितना प्यार आपने अभी तक इस सीरीज़ को दिया है, 76 सेशंस जो हमारे हुए हैं, इसी को आगे हम लोग अभी कंटिन्यू करेंगे।
और दूसरे कुछ चीज़ एक इम्पॉर्टेंट बात, और कई सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि सर जो आधुनिक भारत का इतिहास का क्रैश कोर्स स्टार्ट हुआ था यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए वो क्या होगा, तो वो भी कंप्लीट होगा, कल उसका अगला सेशन होगा। जलियांवाला बाग तक मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। अनफॉर्चुनेटली पिछले कई दिनों से हमारी क्लासेस नहीं हो रही थी, लेकिन अब हमारी क्लासेस रेगुलर होंगी क्योंकि स्टूडियो सेटअप का काम कंप्लीट हो चुका है, तो अब हम लोग डेली अपनी क्लासेस स्टूडियो से हमारी कंटिन्यू कर सकते हैं यहाँ से। तो आधुनिक भारत के इतिहास का क्रैश कोर्स वाला सेशन हमारा कल होगा। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अनअकैडमी आप सभी को पता है कि इंडिया का सबसे बड़ा ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, और यदि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और घर बैठे इंडिया के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो अनअकैडमी आपको ये ऑप्शन देता है। यहाँ आपको मिलेगा बहुत सारे एजुकेटर्स की एक बढ़िया सी रेंज, चॉइस आपको मिलेगी, आप अपने कोर्सेज को चेंज कर सकते हैं, ये फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलेगी, और सबसे अच्छी बात अनलिमिटेड व्यूज, जितना भी आप देखना चाहें किसी सेशन को उतनी बार देख सकते हैं। ये फैसिलिटी आपको ऑफलाइन में नहीं मिल सकती, वहाँ आप एक सेशन को एक ही बार देख सकते हैं, यहाँ अनलिमिटेड व्यूज आप दे सकते हैं, और आपको काफ़ी सारे डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे, तो अपनी कंप्लीट प्रिपरेशन आप कर सकते हैं अनअकैडमी के साथ। और इसके लिए आप अनअकैडमी का नॉर्मल या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अनअकैडमी आपको एक साल से लेकर डेढ़ साल, दो साल और तीन साल तक का नॉर्मल और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का ऑफर देता है। इसमें आपका कंप्लीट जीएस, ऑप्शनल सी सेट, टेस्ट सीरीज, नोट्स, मॉक इंटरव्यू सब कुछ इंक्लूडेड है। आप जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, और इसमें आपको 10% का डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप अपना सब्सक्रिप्शन लेते समय CKLIV रेफरल कोड यूज़ करें। आप अनअकैडमी का कभी भी कोई भी सब्सक्रिप्शन लें, या आप अनअकैडमी पर कोई ऑफ़र का फ़ायदा उठाना चाहें, कोई भी ऑफ़र, कभी कभी आपने देखा 20% 25% अलग अलग डिस्काउंट आते हैं, तो आप इस CKLIVE रेफरल कोड को यूज़ करके कभी भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको डिस्काउंट मिलेगा ही मिलेगा। इसके साथ अनअकैडमी आपको जो भी दे रहा है वो भी आपको मिल जाएगा, नोट्स, टेस्ट सीरीज वगैरह सब कुछ। और इसी के साथ एक और चीज़ काम की कि नोट्स के सब्सक्रिप्शन में यदि आपके पास एक साथ पैसा नहीं है पे करने के लिए, इतना फीस आप एक साथ पे नहीं कर सकते, तो आप ऑप्शनल, आपके पास एक बढ़िया ऑप्शन है कि आप लोन ले सकते हैं। ये मेरा रेफरल कोड है CKLIVE, इस रेफरल कोड को यूज़ कीजिए, लोन के लिए अप्लाई करिए। एक एप्लीकेशन आपको भरनी पड़ेगी अनअकैडमी की एप्लीकेशन जो है ऐप पर जाकर, और उस लोन एप्लीकेशन के द्वारा आप सारा पैसा किश्तों में जमा कर सकते हैं, EMIs पर जमा कर सकते हैं, तो ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। इसमें भी आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे, नया बैचेस ऑफलाइन ऑप्शनल, अगर आप दिल्ली में ऑफलाइन ऑप्शनल की बैचेस ज्वाइन करना चाहें, एंथ्रोपोलॉजी, ज्योग्राफी, लॉ, मैथमेटिक्स, तो अनअकैडमी के सेंटर पर दिल्ली में आप ये ऑप्शनल की बैच ऑफलाइन जाके ज्वाइन कर सकते हैं, जो अभी नई स्टार्ट होने वाली 5 जून से। ठीक है, चलिए भाई सब लोग आ गए, सभी लोग आ गए हैं, तो आज के टॉपिक की शुरुआत करते हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात करेंगे, तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं CBI का इतिहास। CBI क्या है ये तो मैंने आपको बता दिया कि ये भारत सरकार की, केंद्र सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है जो विभिन्न मामलों में, गंभीर अपराधों में और अलग अलग तरह के अलग अलग मामलों में ये जांच करती है ना, और दोषियों को सजा दिलाने में सहायता करती है। तो CBI का थोड़ा सा इतिहास जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कब बनी, कैसे बनी। वैसे आप देखेंगे तो अमेरिका में, USA में CBI की तरह एक संस्था आपने सुना होगा FBI, फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो कुछ कुछ CBI जो है वो FBI की तरह ही है, हालांकि FBI की जो शक्तियां हैं अमेरिका में वो ज़्यादा व्यापक हैं, ज़्यादा विस्तृत है, और भारत में CBI की शक्तियां उसकी तुलना में थोड़ी सी सीमित हैं। लेकिन इतिहास की बात करते हैं, कहाँ से ये शुरू हुआ, ये एजेंसी आई कहाँ से, क्योंकि अभी मैंने आपसे कहा कि बहुत चर्चा में रहती है, अभी भी चर्चा में है, लगातार विवादों में है, तो आपको हमेशा इसके बारे में पूरी चीज़, पूरी जो पिक्चर है वो क्लियर होनी चाहिए। तो CBI की शुरुआत हम कह सकते हैं कि वो ब्रिटिश काल में हुई थी, आज़ादी के पहले। दरअसल जब दूसरा विश्व युद्ध चल रहा था, आपको सभी को पता होगा कि 1939 से लेकर 1945 तक, 1939 से 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध हुआ था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कई सारे भ्रष्टाचार के मामले आए, घूसखोरी के मामले आए, और दुरुपयोग के जो है अधिकारों के मामले ब्रिटिश सरकार के सामने आते हैं। तो ब्रिटिश सरकार ने इन सारे मामलों की जांच के लिए 1941 में एक दिल्ली में
एक विशेष पुलिस स्थापना का गठन किया, स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट किया, और उसका काम था इन सारे मामलों की जांच करना। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जो भी घूस के भ्रष्टाचार के मामले हुए हैं उनकी जांच करने का उसका काम था। बाद में जब दूसरा विश्व युद्ध खत्म हो गया तो इस एजेंसी की आवश्यकता आगे भी महसूस हुई। तो 1946 की बात है, 1946 में एक कानून बनाया गया, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट, जिसको दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम बोलते हैं, और शॉर्ट में इसको बोलते हैं DSPE एक्ट। तो ये जो DSPE एक्ट है ना, 1946 का ये एक्ट है, और इस एक्ट के द्वारा एक विशेष पुलिस स्थापना की गई, एक विशेष पुलिस की स्थापना की गई इस तरह के मामलों में जांच करने के लिए। आज़ादी के बाद ये संस्था आगे भी काम करती रही, शुरुआत में इसकी दो शाखाएं हुआ करती थी। धीरे धीरे भारत सरकार को लगा कि हमें इस तरह की एक जांच एजेंसी जो है, विशेषज्ञ जांच एजेंसी चाहिए, और उसके लिए बाकायदा उन्होंने प्रयास किया। 1963 में जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना था, जो दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट था, उसका नाम बदल के और CBI कर दिया गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन कर दिया गया। मतलब CBI का जो इतिहास है वो 1941 से स्टार्ट होता है, हालांकि इसका नाम CBI ये 1963 में किया गया, एक संकल्प के द्वारा, प्रस्ताव के द्वारा गृह मंत्रालय के। अभी भी लेकिन इसका कोई कानून भारत में, इस विशेष रूप से अगर आप देखें तो CBI का कोई स्पेशल कानून नहीं है। CBI जो कुछ भी करती है, इसको जो भी शक्तियां मिलती है, ये उसी 1946 के DSPE एक्ट से, जो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम है 1946 का, आज भी CBI को अपनी शक्तियां इसी से मिलती है। बात समझ में आई आपको? तो इसी को हमने CBI बना दिया। अब थोड़ा सा और डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो CBI की स्थापना अगर हम देखें तो CBI 1963 में गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा स्थापित हुई थी। हालांकि मैंने आपसे कहा कि CBI का इतिहास उससे भी पुराना है। पहले इसको दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना कहा जाता था, नाम इसका बदल दिया गया, और नाम बदल के इसका नाम CBI कर दिया गया, और इसको कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय के सुपुर्द कर दिया गया। तो ये जो है, ये गृह मंत्रालय के एक संकल्प के द्वारा स्थापित हुई थी। मतलब एक चीज तो क्लियर है कि CBI संविधानेतर संस्था है। ठीक है, ये कोई संवैधानिक संस्था नहीं है, क्योंकि भारत के संविधान में हमने देखा है कि जिन जिन संस्थाओं का जिक्र हुआ है, जिन जिन संस्थाओं के बारे में आपको पढ़ने को मिलता है, वो सारे के सारे संवैधानिक आयोग, संवैधानिक संस्थाएं कहलाती है। लेकिन CBI का मामला ऐसा नहीं, CBI गैर संवैधानिक संस्था है। तो गृह मंत्रालय के संकल्प से स्थापित हुई थी, लेकिन बाद में इसको कार्मिक मंत्रालय को, ठीक है, स्थानांतरित कर दिया। तो यदि आपसे पूछा जाए कि CBI किसके अंडर में काम करती है, कई सारे बच्चों को लगता है, ये गलत फहमी है कि CBI गृह मंत्रालय के अंडर में काम करती है, तो CBI गृह मंत्रालय के अंडर में नहीं है, है ये भारत सरकार के अंडर में ही। लेकिन ये जो एजेंसी है वो कार्मिक, पेंशन और जो लोक शिकायत मंत्रालय, उसके अंतर्गत ये काम करती है, तो वहाँ से ये जुड़ी हुई है। बाद में स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट जो मैंने आपको बताया था, उसका CBI में विलय कर दिया गया। मतलब ये वही संस्था है जो मैं आपको 1941-1946 से बता रहा हूँ। यहाँ तक समझ में आ गया? यहाँ तक आप लोगों को क्लियर हुआ कि CBI का मामला जो है वो शुरू कहाँ से हुआ, और CBI वर्तमान में भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत काम कर रही है? आगे की बात करें CBI के बारे में कुछ और चीज, तो CBI की स्थापना की जो अनुशंसा है ये संथानम्स कमीशन ने, संथानम आयोग ने की थी। आपने पढ़ा होगा एक संथानम आयोग के बारे में। भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग है जिसका नाम है केंद्रीय सतर्कता आयोग। 1964 में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना हुई थी संथानम समिति की सिफारिश पर। इसी संथानम समिति की, संथानम आयोग की सिफारिश पर भारत में CBI का भी गठन किया गया, या हम कहें कि DSPE जो थी उसको CBI बना दिया गया इसी संथानम आयोग की सिफारिश पर। हालांकि इसका भी वही काम है, CBI केंद्र सरकार के अधिकारियों के, कर्मचारियों के भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों की जांच करने के लिए गठित की गई थी, और दोषियों को, अपराधियों को सजा दिलाने के लिए गठित हुई थी। तो ये है क्या? ये केंद्र सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है। जैसे
जस्ट मेक इट वेरी क्लियर कि आपको पता है कि राज्यों में हमारे यहाँ पुलिस होती है। आप चाहे भारत में किसी भी राज्य में रह रहे हो, लेकिन आपके यहाँ पर एक पुलिस होती है जो कानून और व्यवस्था को मेंटेन करके रखती है, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखती है और विभिन्न अपराधों के मामलों में जांच करती है। जैसे हम सभी जानते हैं कि पुलिस जो है ना वो राज्य सूची का विषय है, तो वो राज्य सरकार के अंडर में काम करती है। आप मध्य प्रदेश में हैं तो मध्य प्रदेश पुलिस आपके लिए काम करती है, उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश पुलिस आपके लिए काम करती है। और अभी उत्तर प्रदेश पुलिस काफ़ी चर्चा में भी है। पिछले 2-3 दिनों से अगर आप देख रहे हों तो न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया, न्यूज़ चैनल, शायद ही हमारे आसपास ऐसा कुछ हो जहां पर या कोई प्लेटफॉर्म ऐसा हो जहां पर उत्तर प्रदेश पुलिस की चर्चा नहीं हो रही हो। तो पुलिस राज्य सूची का विषय है और पुलिस राज्य सरकार के अंडर में काम करती है। तो आप कह सकते हैं कि CBI जो है वो एक प्रकार से भारत सरकार की पुलिस है। केंद्र सरकार के लिए वही काम CBI करती है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा ना अभी, राज्य सरकार दिल्ली राज्य नहीं है। आपको ये बात दिमाग में पूरी क्लियर करनी पड़ेगी कि दिल्ली जो है वो केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए दिल्ली की पुलिस वहाँ की सरकार के अधीन काम नहीं करती। जितने भी राज्य हैं, राज्यों की पुलिस जो है वो राज्य सरकार के अंडर में काम करती है। तो ये CBI जो है वो भारत सरकार की मुख्य अनुसंधान एजेंसी है, या हम कहें कि ये मुख्य जांच एजेंसी है जो विशेषज्ञता के साथ में मामलों की, अपराधों की जांच करती है। आ रहा है समझ में? और इसी लिए ठीक है, शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार की रोकथाम, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी बनाए रखने में इसकी एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका है। आप सभी जानते हैं कि CBI भारत सरकार की एजेंसी है, इसलिए CBI का जो अधिकार क्षेत्र है वो हमारे दिल्ली और जो केंद्र शासित प्रदेश है वहीं तक है। ये सिर्फ भारत सरकार के कर्मचारियों की जांच कर सकती है, ये भारत सरकार के अधीन आने वाले क्षेत्रों में जांच कर सकती है, ये राज्यों के कर्मचारी और राज्यों के क्षेत्र में जाँच नहीं कर सकती जब तक कि कोई विशेष मामला या विशेष अनुमति ना मिले इस तरह की, ठीक है। तो ये करती क्या है, ये शासन और प्रशासन में देखो एक चीज़ जो हमेशा से हमें पता है कि एक सिरदर्द बना हुआ है और वो है भ्रष्टाचार, करप्शन। करप्शन न सिर्फ सिस्टम को खोखला करता है बल्कि आम जनता के लिए कई सारी तकलीफें भी जो है पैदा करता है। करप्शन या भ्रष्टाचार की वजह से देश का प्रॉपर या हम कहें कि संपूर्ण विकास नहीं हो पाता, या भ्रष्टाचार की वजह से कई बार देश में आप देखेंगे कि कई सारे लोग जो है अवैध संपत्ति अर्जित करके बैठ जाते हैं, या कई बार भ्रष्टाचार की वजह से सही उचित लाभार्थियों को उनका हक नहीं मिलता है और ऐसी तमाम समस्याएं इससे पैदा होती हैं। तो भ्रष्टाचार को रोकना किसी भी सरकार की एक प्राथमिकता होती है, चाहे वो भारत सरकार हो चाहे कोई भी सरकार हो। लगभग लगभग हर देश ने अपने अपने देश में भ्रष्टाचार को रोकने के लिए प्रावधान किए हैं और इस तरह की कई संस्थाओं का गठन किया हुआ है। तो भ्रष्टाचार को रोकना और इसके साथ शासन और प्रशासन में जो दो महत्वपूर्ण चीज है और वो आप सभी जानते हैं, सत्यनिष्ठा और ईमानदारी, है ना। एथिक्स का पेपर आप पढ़ते हैं तो आपको पता है सत्यनिष्ठा और ईमानदारी का अपना एक महत्व होता है, तो वो सारी चीजों में इसकी अपनी भूमिका है। इसके अलावा ये जो केंद्रीय सतर्कता आयोग है भारत में, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन CVC, और जो लोकपाल नाम की एक संस्था है, आपको पता है भारत में लोकपाल नाम की भी एक संस्था है और लोकपाल की और CVC की ये सहायता करती है, क्योंकि ये दोनों संस्थाएं भी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गठित की गई हैं। NIA और CBI द्वारा जांच किए जाने वाले विषयों की प्रकृति में अंतर होता है। अब यहाँ मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार में आपको दो एजेंसी मिलेगी, एक का नाम है INIA, जिसे आप सभी लोग नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के नाम से जानते हैं, राष्ट्रीय जांच एजेंसी, और दूसरी तरफ CBI। कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर CBI ये भारत सरकार के लिए जांच का काम करती है, NIA जो है वो भी भारत सरकार के लिए जांच का काम करती है, तो दोनों में अंतर क्या है। NIA और CBI दोनों के द्वारा जाँच की जाती है, दोनों भारत सरकार के लिए जाँच करती है, तो दोनों में अंतर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है। यदि आप देखेंगे तो NIA जो है वो कब गठित हुई थी, 2008।
जब भारत में मुंबई में आप सभी जानते हैं कि अटैक हुआ था, आतंकी हमला हुआ था 26/11, आप सभी जानते हैं ताज होटल वगैरह के आसपास जो भी हुआ था, हम सब इससे परिचित हैं। तो भारत में आतंकी घटनाएं होती रहती थी, लेकिन मुंबई में जो आतंकी हमला हुआ था उसने पूरे देश को दहला दिया था। एक प्रकार से वो हमारे लिए पूरे देश की सुरक्षा पर एक प्रश्न चिन्ह था कि क्या हम हमारे देश की आर्थिक राजधानी की भी रक्षा नहीं कर सकते, क्या इतने महत्वपूर्ण जगहों पर भी आतंकी घुस सकते हैं वो भी हथियारों के साथ। तो आतंकवाद एक बहुत महत्वपूर्ण जो है हमारे सामने चुनौती थी। तो आतंकवाद को जब हमने देखा कि इस तरह का आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद में भारत सरकार को ज़रूरत महसूस हुई एक ऐसी विशेषज्ञ जांच एजेंसी की जो आतंकी घटनाओं को रोक सके और आतंकी घटनाओं के मामलों की जांच कर सके। इसीलिए 2008 में मुंबई में जब आतंकी आक्रमण या आतंकी हमला हुआ, उसके बाद में आतंकवाद के इस तरह के मामलों की जांच के लिए एक राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का गठन किया गया। अंतर यह है कि NIA केवल आतंकी घटनाओं, आतंकियों के वित्त पोषण और अन्य आतंकवाद से जुड़े हुए अपराधों की ही जांच करती है। मतलब हम कह सकते हैं कि दोनों ही संस्थाएं जांच एजेंसियां हैं, लेकिन NIA का दायरा बहुत सीमित है। NIA जो है वो सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद तक सीमित है और आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों में जांच करती है। चाहे वो आतंकी घटना हो, कोई भी आतंकी घटना, उसकी वो जांच करेगी। आतंकियों को होने वाले वित्त पोषण कि भाई इनको फंडिंग कहाँ से होती है, इनको पैसा कहाँ से आता है, उनकी जांच करने का, या आतंकवाद से जुड़े हुए जो अपराध हैं उनका भी जो है जांच का मामला ये NIA के द्वारा किया जाता है। इससे बाहर कोई मामला होता है तो वो NIA के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। वो काम कौन करेगा? वो मामले में जांच करेगा CBI, जिसे भ्रष्टाचार, किसी भ्रष्टाचार के मामले की केंद्र सरकार में कोई भ्रष्टाचार का मामला हो किसी कर्मचारी के ऊपर, तो उस पर NIA जांच नहीं कर सकती, क्योंकि NIA के दायरे में भ्रष्टाचार नहीं आता है। तो इस पर जांच कौन करेगा? इस पर CBI करेगी। तो CBI का दायरा बहुत बड़ा है। ये भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध, ठीक है, जैसे हर्षद मेहता कांड आपको पता है कि जो एक हुआ था बहुत बड़ा, शेयर मार्केट में एक स्कैम हुआ था, एक घोटाला हुआ था। इसके अलावा गंभीर और संगठित अपराध, ठीक है, आतंकवाद के अतिरिक्त उनसे जुड़े हुए मामलों में इन्वेस्टिगेशन करने का, अनुसंधान करने का काम। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा कि NIA जो है वो सिर्फ आतंकवाद से जुड़े हुए मामलों में काम करेगा, और जहाँ CBI की बात है तो CBI का दायरा बहुत बड़ा है, कई सारे अलग अलग मामलों में ये जांच करता है, लेकिन मुख्य रूप से ये भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों में जांच करता है, और इसका काम है शासन प्रशासन में भ्रष्टाचार को रोकना। हालांकि दोनों ही जांच एजेंसियां हैं, दोनों ही भारत सरकार के लिए काम करती हैं। इज दैट क्लियर? चलिए, यहां तक आप समझ गए तो आगे चलते हैं। CBI का आदर्शवाद, उद्यम, निष्पक्षता और ईमानदारी। तो ये आप समझते हैं, इन शब्दों का मतलब मुझे समझाने की जरूरत नहीं कि उद्यम क्या होता है या निष्पक्षता क्या होती है या ईमानदारी क्या होती है, इसका आदर्श वाक्य है। फिर हम बात करते हैं इसके मिशन की, इसका उद्देश्य, तो संविधान और देश के कानून की रक्षा करना। जो मुख्य रूप से अगर आप देखें तो CBI का उद्देश्य है इस देश में संविधान की और देश के कानूनों की रक्षा करना, क्योंकि भ्रष्टाचार और इस तरह के कई सारे मामलों से इस देश के संविधान और इस देश के कानूनों पर आंच आती है ना। और इसके लिए गहराई से अनुसंधान या रिसर्च करना, साथ ही सफल अभियोग दायर करना, ठीक है, चार्जशीट दाखिल करना। जब ये पूरे मामले की जांच करती है तो जांच करने के बाद जिस निष्कर्ष पर ये पहुंचती है, ये अपने निष्कर्ष से न्यायालय को, न्याय तक पहुंचने में सहायता करती है, केस चलाती है, अभियोजन चलवाती है, पुलिस बल को नेतृत्व देती है, दिशा निर्देश देती है, कानून लागू करने में अंतर्राज्य और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। तो अगर आप बात करें कि जो इंटरपोल जैसी संस्थाएं हैं उनके साथ संपर्क करने के लिए जो भारत की नोडल एजेंसी है वो भी CBI है। तो इसका उद्देश्य बड़ा महत्वपूर्ण है, दृष्टि अपने आदर्श वाक्य और उद्देश्य के लिए काम करने की। इसका विजन अगर हम देखें तो जो भी इसका आदर्श वाक्य है, जो इसके उद्देश्य है, उनको पूरा करने के लिए काम करेगी, सतत प्रयास करेगी, ये हो गया इसका विजन। अब इसके अलावा CBI क्या करती है? CBI के बारे में थोड़ी सी चीजें आपको और बता दी जाए।
अभी तक का पूरा समझ में आया कि नहीं, एक बार कमेंट करके बताओ। अभी तक का समझ में आया आपको सीबीआई क्या है, सीबीआई का गठन कब हुआ, सीबीआई की शुरुआत कहां से हुई, इसका इतिहास कहां से शुरू होता है, ये क्या करती है? ठीक है, अभी तक के बारे में मैंने आपको इतना बताया। थोड़ा सा हमने बीच में सीबीआई और एनआईए के बीच में डिफरेंस भी देखा कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों में क्या डिफरेंस है। तो सीबीआई अपने प्रयासों को निम्नलिखित पर केंद्रित करेगी। सबसे पहले सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार से संघर्ष, आर्थिक और हिंसक अपराधों में सुविस्तारित अनुसंधान और अभियोग द्वारा कमी लाना। तो इसकी कोशिश है कि लगातार मामलों की जांच करके, लगातार अनुसंधान इन्वेस्टिगेशन करके, लगातार अभियोग चलवा के, केसेस चला के मामलों में अपराधों में कमी लाना, दोषियों को सजा दिलाना, विभिन्न न्यायालयों के लंबित मामलों के सफल अनुसंधान और अभियोग दायर करने के लिए प्रभावी प्रणाली और प्रक्रिया विकसित करना। एक ऐसा सिस्टम बनाया जाए, एक ऐसी प्रक्रिया बनाई जाए, एक ऐसी प्रणाली बनाई जाए जिससे कि न्यायपालिका को, ठीक है, अपने लंबित मामलों को जल्दी निपटाने में सहायता मिले। एक बहुत बड़ी समस्या है भारत में, केसेस को पेंडिंग रखने का एक मैटर। आप सब जानते हैं कि भारत में न्यायपालिका में करोड़ों केसेस पेंडिंग हैं। कहा जाता है कि भारत में कोई भी व्यक्ति न्यायपालिका में न्याय के लिए जाना तो ज़रूर चाहता है, लेकिन जाने से पहले वो 10 बार सोचता है, और सोचता इसलिए क्योंकि न्याय मिलने में कई सालों का समय लग जाता है। और उसके कई कारण हैं, उनमें से एक कारण है कि भारत में न्यायपालिका में बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं, बहुत सारे केसेस अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत सारे केसेस चल रहे हैं लेकिन सालों से अभी तक उनमें निर्णय नहीं आ सका है। और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत में न्यायपालिका में जजों की संख्या में कमी। अभी मैंने इंडिया जस्टिस रिपोर्ट पढ़ी हाल ही में, और आपने भी शायद पढ़ी होगी, ये डेटा आपके बड़ा काम का है जो आप एग्जाम्स में यूज़ कर सकते हैं। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में ये चीज़ अभी क्लियर मुझे हुई, या आपको भी हुई होगी, कि भारत में न्यायपालिका की स्थिति कितनी दयनीय है। अभी इस देश में प्रति 10 लाख लोगों पर कम से कम 50 जज होने चाहिए, लेकिन हालत ये है कि हमारे देश में प्रति 10 लाख लोगों पर मात्र जो है, उस रिपोर्ट के अनुसार अगर आप देखेंगे तो 15 के आसपास जज हैं, मतलब एक तिहाई, जितने होने चाहिए उससे एक तिहाई जज है हमारे पास। ये तो जजों की संख्या में कमी, इसके अलावा और समस्याएं न्यायपालिका के साथ बहुत सारी हैं। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूं, न्यायपालिका में जो बहुत सारे केसेस पेंडिंग है ना, उन सारे पेंडिंग केसेस में वो जल्दी न्यायपालिका को न्याय दिलाने में सहायता कर सकती है, ऐसी एक प्रणाली विकसित कर सकती है जिससे लोगों को जल्दी और त्वरित न्याय मिले। कहा जाता है कि देरी से मिला न्याय अन्याय की कैटेगरी में आता है। यदि न्याय बहुत देरी से मिले ना तो वो न्याय नहीं होता, वो अन्याय होता है। फिर साइबर और उच्च प्रौद्योगिकी अपराधों से लड़ने में सहायता करना। ये भी आपको पता है कि आजकल हाईटेक हो गया, जमाना बड़ा, आजकल जो सारे क्राइम्स की हम बात करते हैं ना, सारे क्राइम्स में एक सबसे बड़ा क्राइम बन के आया है, उभर कर आया है, साइबर क्राइम। साइबर क्राइम जैसे आपने देखा होगा, कई सारे लोगों को फ़ोन करके लूट लिया जाता है, उनके आईडी पासवर्ड या उनका फ़ोन का जो अकाउंट नंबर फ़ोन पे ले लिया जाता है, कई तरीके के आपने देखा होगा अकाउंट्स हैक कर लिए जाते हैं। तो बहुत तरीके से साइबर क्राइम आजकल होने लगे हैं, तो साइबर क्राइम जो है वो भी एक चुनौती है। साइबर क्राइम जो इंटरनेट के माध्यम से किया जा रहा है वर्तमान में, उच्च प्रौद्योगिकी अपराध जिसमें हाई टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है, इन मामलों में भी, ठीक है, आजकल बहुत सतर्कता की ज़रूरत है, इसमें सहायता करना। फिर ऐसा सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाना जहाँ भी आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका कार्यस्थल है, कि वहाँ पर टीम भावना, मुक्त संचार और आपसी विश्वास को बढ़ावा मिले, ठीक है। राज्यों के पुलिस संगठन और कानून लागू करने वाली एजेंसियों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। अब ये भी आपको पता है कि राज्यों में जो काम सीबीआई भारत सरकार के लिए कर रही है, वही काम राज्यों के लिए पुलिस करती है, तो राज्यों की पुलिस के साथ में कोऑर्डिनेशन करना भी ज़रूरी होता है ना। तो आप देख सकते हैं कि राज्यों की पुलिस संगठन जो है, और जितने भी कानून लागू करने वाली एजेंसियाँ, चाहे राष्ट्रीय हो चाहे अंतर्राष्ट्रीय हो, उनसे सहयोग करना। भाई कहते ना, 1 और 1 11 होता है। राज्यों में पुलिस अपना काम करती है, लेकिन अगर सीबीआई और राज्य पुलिस किसी मामले में मिल के काम करती है ना, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर बेहतर परिणाम आते हैं। तो उनको सहयोग करना,
विशेषकर मामलों की छानबीन और अनुसंधान में सहायता करना, फिर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठित अपराध के खिलाफ लड़ाई में मुख्य भूमिका। मैंने अभी आपको बताया कि जैसे राष्ट्रीय स्तर पर भारत सरकार के लिए तो ये काम करती है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अगर कोई मामला है तो उसमें भी सीबीआई जो है, अगर भारत सरकार की तरफ से कोई प्रतिनिधित्व करेगा तो वो सीबीआई करती है और ये एक नोडल एजेंसी के रूप में काम करती है। इसके अलावा मानव अधिकारों की रक्षा करना, ये भी आपको पता है कि मानव अधिकार और ऐसे कई सारे मामले, पर्यावरण के मामले, मानव अधिकार के मामले, कला वस्तुओं के साथ अपनी सभ्यता की विरासत की रक्षा करना, वैज्ञानिक अभिवृत्ति, मानवता, जांच अनुसंधान और सुधार की भावना को अपने अंदर विकसित करना। तो ये जितनी भी आप पॉइंट्स हैं ना, ये सारे पॉइंट्स आप देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। दैट्स नॉट अ बिग डील कि इसमें आपको कोई दिक्कत आएगी। ये सीबीआई के प्रयास हैं कि क्या क्या प्रयास सीबीआई करेगी। अब हम बात करें इसके संगठन के बारे में। तो मैंने आपको बताया कि मुख्य रूप से जब सीबीआई का गठन हुआ था, जब पहले 1946 में कानून बना था डीएसपी एक्ट, तो इसमें सिर्फ दो शाखाएं हुआ करती थी। लेकिन वर्तमान में आप देखो, मूल रूप में 1963 में सीबीआई की स्थापना 6 डिविजन्स के साथ की गई थी। तो बाद में 2 से बढ़ा के धीरे धीरे इसमें कई सारी विंग्स, कई सारी शाखाएं इसकी हो गई, जैसे अनुसंधान और भ्रष्टाचार निरोधक जो शाखा है, डिवीजन है, फिर तकनीकी शाखा, इसकी एक टेक्निकल डिवीजन है, अपराध अभिलेख और एक सांख्यिकी, क्राइम रिकॉर्ड्स एंड स्टेटिस्टिक्स डिवीजन, फिर एक रिसर्च डिवीजन है, शोध संभाग जो है, कानूनी और सामान्य संभाग, लीगल एंड जनरल डिवीजन है, और प्रशासन संभाग, एडमिनिस्ट्रेशन डिवीजन है। ये इतनी शाखाएं कुल मिला के वर्तमान में अगर आप देखें तो सीबीआई की इतनी अलग अलग शाखाएं होंगे जो अलग अलग मामलों में अपना काम करती है। जैसे तकनीकी शाखा है तो इसका काम टेक्निकल होगा, ये तकनीकी जो है चीज़ें, ये तकनीकी सहायता मुहैया कराएगी, तकनीकी रूप से जांच में सहयोग करेगी। भ्रष्टाचार निरोधक शाखा है तो भ्रष्टाचार से जुड़े हुए मामलों में, जहां भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला बनता है, केस बनता है, वहां ये भ्रष्टाचार निरोधक जो शाखा है वो अपना काम करेगी। तो इस तरह के अलग 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 जो है सीबीआई की आप देखेंगे कि 6 डिवीजन है, ये शाखाएं हैं। तो आप देखो वर्तमान में सीबीआई की ये 7 शाखाएं, वो मैंने आपको जो बताया वो डिवीजन थे, और ये सीबीआई की अलग अलग 7 शाखाएं उनसे बनती है, भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, आर्थिक अपराध शाखा, विशेष अपराध शाखा, नीतिगत समन्वय, प्रशासनिक अभियोग निदेशालय और केंद्रीय फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला। तो ये अलग अलग 7 प्रकार की शाखाएं वर्तमान में आप सीबीआई की देख सकते हैं। इसकी 6 डिवीजन है, इसके 6 भाग हैं और 7 शाखाएं हैं अलग अलग मामलों की जांच करने के लिए, भ्रष्टाचार के लिए अलग, आर्थिक अपराध के लिए अलग, विशेष अपराध के लिए अलग। यदि मान लीजिए कोई बहुत बड़ा मर्डर मिस्ट्री है, ठीक है, अगर मान लीजिए कि जिसमें पुलिस जो है राज्य की वो गुत्थी सुलझाने में सक्षम नहीं है, तो सीबीआई जांच की मांग की जाती है। तो ऐसे कई सारे विशेष अपराधों के मामले में सीबीआई की ये वाली शाखा जांच करती है। आर्थिक अपराध शाखा आर्थिक अपराधों के मामले में, ठीक है, जैसे मान लीजिए नकली नोट का मामला है, जाली नोट, जाली करेंसी, आपको पता है कि भारत में नकली नोटों का मामला कोई नया नहीं है। तो नकली नोट से जुड़ा हुआ कोई मामला है तो नकली नोट से जुड़ा हुआ मामला आर्थिक अपराध में आएगा। तो आर्थिक अपराध शाखा जो सीबीआई की, वो उसमें जांच करेगी। तो आर्थिक रूप से जुड़े मामलों में ये जांच करेगी। तो इस तरीके से 7 शाखाएं हमको सीबीआई की दिखाई देगी। अब इसके संगठन की बात करते हैं। तो सीबीआई का जो संगठन है, इसमें सबसे पहले नंबर पर जो आपको आता है, सबसे जो प्रमुख आदमी होता है वो होता है इसका निदेशक, डायरेक्टर। हर संगठन का एक प्रमुख व्यक्ति होता है, वैसे ही सीबीआई में जो प्रमुख होता है उसको डायरेक्टर कहते हैं। आमतौर पर अगर आपने राज्य के पुलिस संगठन को देखा हो तो जिस तरीके से राज्य का पुलिस संगठन होता है ना, कांस्टेबल से लेके तो डीजीपी तक के रैंक के लोग होते हैं, कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल के ऊपर हेड कांस्टेबल होता है, फिर एएसआई होता है, फिर एसआई होता है, उसके ऊपर जो इंस्पेक्टर होता है उसके ऊपर आप डीएसपी को देखेंगे, डीएसपी के ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको एडिशनल एसपी मिलेगा, फिर एसपी मिलेगा, उसके ऊपर आप जाएंगे डीआईजी आएंगे, फिर आईजी आएंगे, उसके बाद एडीजी आएंगे और फिर डीजीपी आते हैं। तो पूरे राज्य के पुलिस शाखा का जो प्रमुख होता है, पुलिस विभाग का जो प्रमुख होता है,
वो व्यक्ति होता है पुलिस महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। वैसे ही सीबीआई का जो जो ढांचा है ना, संगठन है, वो भी पुलिस जैसा होता है। इसमें भी कांस्टेबल रैंक से लेकर तो डीजी तक के लोग होते हैं, ठीक है, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, एसपी, डीआईजी, आईजी, और सबसे जो प्रमुख आदमी होता है सीबीआई का वो होता है डायरेक्टर, जिसे निदेशक कहते हैं। सीबीआई का प्रमुख होता है सीबीआई डायरेक्टर, निदेशक। उसके सहयोग के लिए विशेष निदेशक, ठीक है, स्पेशल डायरेक्टर होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर, अतिरिक्त निदेशक होते हैं। इसके अलावा कई सारे जॉइंट डायरेक्टर, जैसे संयुक्त निदेशक, उप महानिरीक्षक जिसे डीआईजी कहते हैं, पुलिस अधीक्षक जिन्हें एसपी कहते हैं, और अलग अलग पुलिस रैंक के कार्मिक। तो बिल्कुल सिंपल सी बात, जैसे मैंने आपको बताया कि कांस्टेबल से लेकर तो ऊपर के अधिकारियों तक की जो रैंक पुलिस में मिलेगी, वैसा का वैसा आपको सीबीआई में भी मिलेगा। इसमें छोटे कर्मचारी से लेकर तो बड़े अधिकारियों तक, और जो डायरेक्टर होता है वो कोई सीनियर आईपीएस होता है आमतौर पर, ठीक है, जिनको बहुत लंबा अनुभव होता है काम करने का, राज्य सरकार, भारत सरकार के अंतर्गत कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का, इस तरह के अपराधों का बहुत अच्छा अनुभव होता है, जानकारी होती है, विशेषज्ञता होती है। इस तरह के किसी व्यक्ति को सीबीआई का डायरेक्टर बनाया जाता है, क्लियर। तो उस डायरेक्टर के अलावा एडिशनल डायरेक्टर से लेकर अलग अलग रैंक के लोग होते हैं, और सबसे नीचे कांस्टेबल रैंक तक के आपको मिल जाएंगे। लगभग कुल मिलाकर 5000 कार्मिक, 5000 मतलब कुल अगर हम देखें इस संगठन में तो 5000 लोग वर्तमान में लगभग काम कर रहे हैं। इसमें 5000 जो है कार्मिकों के अलावा 125 फॉरेंसिक वैज्ञानिक और 250 विधि अधिकारी काम करते हैं। तो ऐसा नहीं है फॉरेंसिक एक्सपर्ट, जैसे लैब टेस्ट वगैरह इस तरह के काम भी होते हैं ना, कि फिंगरप्रिंट टेस्ट करना है या और भी कई सारे जो है अलग अलग नमूने लेने होते हैं, उनकी जाँच करनी होती है, तो फॉरेंसिक वैज्ञानिक भी हैं। उसके अलावा विधि अधिकारी भी हैं जो इनको विधि संबंधी मामलों में सलाह देते हैं, ठीक है, अलग अलग कानूनों के तहत। तो ये हो गया आपका सीबीआई का पूरा ढांचा, सीबीआई का पूरा गठन, इस तरीके का सीबीआई का पूरा स्ट्रक्चर आप देखेंगे। तो सीबीआई में निदेशक पुलिस महानिदेशक रूप में मैंने बताया, दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान जो है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट, वो सीबीआई के प्रशासन के लिए जिम्मेदार होता है। दरअसल मैंने आप शुरू में ही कहा था कि सीबीआई का अपना कोई विशेष कानून नहीं है, सीबीआई को जो शक्तियाँ मिल रही हैं वो सारी शक्तियाँ उसको उस 1946 के कानून से मिलती हैं, जिसे हम दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो सीबीआई के जो डायरेक्टर होते हैं वो दिल्ली विशेष पुलिस जो स्थापना है उसके प्रशासन के लिए जिम्मेदार होते हैं। पूरा सीबीआई का जो जिम्मेदारी है चलाने की वो उनके ऊपर होती है, डायरेक्टर के ऊपर। 2003 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अधिनियम पारित होने के बाद दिल्ली विशेष पुलिस प्रतिष्ठान के अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम 1988 के अंतर्गत अपराध जो है उनका अनुसंधान का काम देखते हैं। मतलब आप सभी जानते हैं कि अब हमारे पास सीवीसी नाम का भी एक संगठन है। सीवीसी 1964 में स्थापित हुआ, 2003 में इसके लिए एक कानून बनाया गया, बकायदा इसको सांविधिक बनाया गया। तो 2003 में जब केंद्रीय सतर्कता आयोग का जो है कानून पारित हुआ, अधिनियम पारित हुआ, उसके बाद से जो सीबीआई है वो भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अंतर्गत होने वाले भ्रष्टाचार के मामलों में, शिकायतों में जांच का काम करती है, अनुसंधान का काम करती है, सीवीसी को रिपोर्ट करती है, सीवीसी की सहायता करती है। ठीक है, तो अगर हम बात करें सीबीआई के जो डायरेक्टर हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, उनकी नियुक्ति कैसे होती है, अब कई सारे लोग एक चीज पर बड़ा प्रश्न उठाते हैं कि सीबीआई एक स्वायत्त संस्था नहीं है। सीबीआई को लेकर कई बार आपने सुना होगा कि सीबीआई केंद्र सरकार के इशारों पर काम करती है, केंद्र सरकार के हिसाब से चलती है, या कई बार इसको पिंजरे का तोता भी कहा गया है। पिंजरे का तोता क्यों कहा गया है? पिंजरे का तोता इसलिए कहा गया है कि जैसे पिंजरे में एक तोता होता है ना, जो बंद होता है पिंजरे के अंदर, वही उसकी दुनिया होती है, बाहर वो अपने मन से कहीं आ जा नहीं सकता, उड़ नहीं सकता, और इसके अलावा मालिक जो है उसका
वो जो बोलता है वो उसको बोलना पड़ता है, वो कई बार लोग उससे बुलवाते हैं अलग अलग शब्द, अलग अलग बातें, बदले में उसको मिर्ची खाने को मिलती है। तो इसको पिंजरे का तोता कहा जाता है, इसलिए कि ये मन से कुछ नहीं करती। पहली बात तो ये कि आप सबको क्लियर होगा कि CBI जो होती है ना, CBI अपने मन से किसी मामले की जांच नहीं कर सकती, ठीक है। CBI आमतौर पर केंद्र सरकार के निर्देश पर ही मामलों की जांच करती है। और दूसरी बात कि CBI की स्वायत्तता को लेकर जो बात है कि CBI जो है वही करती है जो केंद्र सरकार कहती है, मतलब केंद्र सरकार के बाहर जाके वो काम नहीं करती, इस तरह के भी लोग आरोप CBI पर लगाते रहे हैं। कई बार ये सही भी साबित होते हैं, क्योंकि भारत में लगभग हर सरकारों ने जब से CBI का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक हम बात करें तो अलग अलग सरकारों पर ये आरोप लगते रहे हैं कि उन्होंने CBI का दुरुपयोग किया है और CBI का अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है, कोई भी गवर्नमेंट हो। और वो इसलिए क्योंकि CBI भारत सरकार के मंत्रालय के अंतर्गत आता है, और खास करके विपक्ष कई बार ये आरोप लगाता है कि सरकार उनको ब्लैकमेल करने के लिए या उनकी आवाज़ को दबाने के लिए CBI की जांच का उपयोग कर रही है या CBI का उपयोग कर रही है। इसके साथ आप देखेंगे राज्यों को भी आपत्ति है। राज्यों का ये मानना है कि CBI संघवाद को कमज़ोर करता है, CBI राज्यों के अधिकारों में कटौती करता है, और कई सारे राज्य CBI को लेकर केंद्र सरकार से नाराज रहते हैं और लगातार शिकायतें करते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं CBI की जो भूमिका है ना, वो कहीं इसलिए विवादों में आ जाती है क्योंकि विपक्ष इसको पसंद नहीं करता और राज्य भी इसे पसंद नहीं करते। हाँ, अगर एक ही पार्टी की सरकार केंद्र राज्य में होती है तब तो ज़्यादा समस्या नहीं आती, लेकिन जब राज्य और केंद्र में अलग अलग पार्टी की दलों की सरकारें होती हैं तो CBI को लेकर विवाद होना एक आम बात है। जैसे कुछ दिन पहले आपने देखा होगा, कुछ समय पहले पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है वहां की, वो CBI को लेकर केंद्र सरकार से भिड़ गई थी। हालांकि एक चीज आपको और समझनी होगी कि CBI, मैंने आपसे कहा, केंद्र सरकार की जांच एजेंसी है और वो केंद्र सरकार के निर्देश पर काम करती है, और उसका दायरा भी सिर्फ केंद्र शासित प्रदेशों तक ही है। अगर CBI किसी राज्य में जांच करना चाहे या किसी राज्य में जांच करने के लिए जाए तो उसको उस राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। बिना राज्य सरकार की सहमति से CBI उस राज्य में जाके और जांच नहीं कर सकती। तो ममता बनर्जी जो मुख्यमंत्री है पश्चिम बंगाल की, उनका ये मामला मानना था कि CBI बिना राज्य सरकार की सहमति से कैसे पश्चिम बंगाल में आ गई और ये जांच नहीं कर सकती। हालांकि एक बात शायद उनको ध्यान नहीं थी कि CBI के मामले में ऐसा ज़रूरी नहीं है कि केंद्र सरकार ही उसको निर्देश दे या केंद्र सरकार के कहने पर वो जांच करे। CBI सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय के कहने पर भी किसी राज्य में जाके जांच कर सकती है, किसी मामले को देख सकती है। और यदि, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनिएगा, यदि CBI राज्य में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के निर्देश पर जाके जांच करती है तो उसे राज्य सरकार की सहमति की ज़रूरत नहीं होती है। हाँ, केंद्र सरकार कहे और जांच करना हो तो राज्य सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। कोर्ट के, न्यायपालिका के कहने पर आपको सहमति की जरूरत नहीं है, राज्य की परमिशन की जरूरत नहीं है। तो CBI को लेकर जो ये मैटर थे वो हमने देखे। अभी हम बात करें इसके का जो है निदेशक की, तो CBI का जो डायरेक्टर होता है, केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम जो 2003 है उसके द्वारा, पहले क्या होता था ना, पहले CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति होती थी और उसका कोई कार्यकाल फिक्स नहीं था, मतलब सरकार एक CBI डायरेक्टर को कभी भी हटा देती थी, मतलब कुल मिला के मनमर्जी वाला मामला, मनमानी वाला मामला था। अगर कोई CBI का डायरेक्टर सरकार के हिसाब से चल रहा है तो ठीक है, और अगर वो सरकार की बात नहीं मान रहा है, सरकार के, भारत सरकार के खिलाफ जा रहा है, 2 मिनट में हटा दिया। तो ये मांग होने लगी कि CBI जैसी संस्था का जो सबसे बड़ा आदमी है, सबसे, एक तो ये भारत की सबसे बड़ी जांच एजेंसी, ऊपर से इस जांच एजेंसी का सबसे बड़ा आदमी, सबसे प्रमुख आदमी, इसका हेड, उसको कोई सुरक्षित कार्यकाल दिया जाए भाई, ताकि वो अपनी मर्जी से काम कर पाए। वो हमेशा ऐसे डर के काम करेगा तो कैसे काम चलेगा। तो CVC का जो 2003 का अधिनियम है, उस अधिनियम से CBI के डायरेक्टर को 2 साल के कार्यकाल की सुरक्षा दी गई। मतलब वर्तमान में ये हालत है कि CBI के डायरेक्टर को आप नियुक्त करने के 2 साल के पहले नहीं हटा सकते,
कम से कम 2 साल तक वो पद पर काम करेगा, चाहे वो सरकार के हिसाब से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, पर आप उसे हटा नहीं सकते। तो कार्यकाल की सुरक्षा दी गई, और कार्यकाल की सुरक्षा बड़ी ज़रूरी है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि इसका आपस में कनेक्शन क्या है, तो ज़रा सुप्रीम कोर्ट का देखिएगा मामला। सुप्रीम कोर्ट के जज को कार्यकाल की सुरक्षा है, 65 साल के पहले सुप्रीम कोर्ट का जज रिटायर नहीं होता, और यदि उसको हटाना हो तो संसद से विशेष बहुमत से पारित एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद आप उसे हटा सकते हो। मतलब सरकार जब चाहे सुप्रीम कोर्ट के जज को नहीं हटा सकती, CAG को नहीं हटा सकती, हाई कोर्ट जज को नहीं हटा सकती, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को नहीं हटा सकती। तो ऐसे पदों पर जो लोग बैठे हैं, जिनसे उम्मीद की जाती है कि वो निष्पक्ष होकर काम करेंगे, स्वतंत्र होकर काम करेंगे, तो उनको कार्यकाल की सुरक्षा दी जाती है। अब एक तरफ आप CBI को कह रहे हो कि ये स्वायत्त संस्था है, ये अपने मर्जी से काम कर सकती है, इसको स्वतंत्रता है, और दूसरी तरफ तुम डायरेक्टर को 4 दिन में हटा देते हो। तो फिर कार्यकाल की सुरक्षा नहीं दोगे तो CBI का डायरेक्टर मन से काम कैसे करेगा, स्वतंत्रता के साथ काम कैसे करेगा? तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कार्यकाल की सुरक्षा दी। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम जो भारत में पास हुआ था 2013 में, उसने भी दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 का संशोधन किया और केंद्रीय जांच ब्यूरो के गठन संबंधित मामलों में बदलाव किए। अब एक चीज तो ये हो गई कि कार्यकाल की सुरक्षा, दूसरा ये कि नियुक्त कौन करेगा। भाई अगर हम CBI के डायरेक्टर की बात करें तो CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति अगर अकेली सरकार करेगी तो फिर उससे स्वायत्त या स्वतंत्र रहने की उम्मीद नहीं कर सकते, निष्पक्ष रहने की उम्मीद नहीं कर सकते। आए समझ में कि नहीं? तो हमारे यहाँ व्यवस्था की गई कि CBI के डायरेक्टर की जो नियुक्ति होगी वो एक समिति की सिफारिश पर होगी, ये प्रावधान किया गया। एक समिति होगी, समिति सिफारिश करेगी, और इस समिति की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति CBI के डायरेक्टर की नियुक्ति करेंगे। अब इस समिति में कौन होगा? इस समिति में 3 लोग, प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक 3 सदस्यीय समिति बनेगी, जिसमें लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा, जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश होंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या उनकी जगह कोई और न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का, और उसके अलावा PM। देखो 3 लोग हो गए, हुए 3 लोग। एक बार फिर देखो, प्रधानमंत्री भारत के, लोकसभा में विपक्ष का नेता, और तीसरा है भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CJI। अगर आप सोचे कि ये 3 लोगों की एक समिति बनेगी और ये 3 लोग कोई नाम फाइनल करेंगे, तो जाहिर सी बात है कि सरकार अपने व्यक्ति को तो नहीं बैठा सकती, क्योंकि विपक्ष का नेता है तो वो देखेगा कि यहाँ पर सरकार का कोई आदमी नहीं बैठे, उसमें चीफ जस्टिस भी हैं, भारत के मुख्य न्यायाधीश स्वयं बैठे हुए हैं। और अभी मैं आपको बता दूं, रिसेंटली ये समिति चर्चा में भी रही, रिसेंटली ये समिति चर्चा में रही थी जब आपको पता होगा सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा कि भारत में यदि आपको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करनी है, निर्वाचन आयोग में आपको पता है कि वहाँ भी सरकार अपने मन से नियुक्ति करती रही है, तो अभी अभी इलेक्शन कमीशन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया डिसीजन दिया है कि उन्होंने कहा है कि सरकार अगर मुख्य निर्वाचन आयोग की, मतलब निर्वाचन आयोग इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में नियुक्ति करे तो ऐसे नहीं करे, क्योंकि ये भी एक संवैधानिक संस्था है, निष्पक्ष और स्वतंत्र संस्था है, ये भी स्वायत्त संस्था है। तो एक पैनल होगा, 3 लोगों का पैनल होगा, और ये 3 लोग यही हैं। इधर देखो आप, मैं आपको बता रहा हूं कि अगर आपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पैनल को लेकर हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पढ़ा है या सुना है, तो ये वही समिति है जो वहां आपको दिखाई देगी। इसमें भारत के प्रधानमंत्री होंगे, विपक्ष के नेता होंगे, और लोग भारत में जो मुख्य न्यायाधीश है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ये 3 लोग मिलकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए नाम फाइनल करेंगे, और उनको फिर राष्ट्रपति भारत में निर्वाचन आयोग में नियुक्ति देंगे। इज दैट क्लियर? आ गया समझ में यहाँ तक? ये मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज भी करवा रहा हूँ, और अगर आप में से कई लोग अभी हाल ही में अपडेटेड नहीं हो तो अपडेट हो जाओ, यहाँ से अपडेटेड होने का एक बढ़िया मौका है। तो प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति बनती है,
जिसमें प्रधानमंत्री, विपक्ष में लोकसभा के नेता, ठीक है, लोकसभा में विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश या उनकी जगह कोई सुप्रीम कोर्ट का अन्य न्यायाधीश होगा, इनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार जो है, इनकी सिफारिश पर केंद्र सरकार भारत में सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति करती है। तो कुल मिला के अब मामला थोड़ा सा ऐसा हो गया है कि सीबीआई के डायरेक्टर को एक तरफ तो कार्यकाल की सुरक्षा दे दी कि भाई आपको कम से कम 2 साल काम सुरक्षा रहे का सुरक्षा होगी, दूसरा उनकी नियुक्ति में भी थोड़ी पारदर्शिता आ गई, उनकी नियुक्ति में विपक्ष की भूमिका हो गई। लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट 2013 के तहत केसों के अभियोजन के कार्यान्वयन के लिए अभियोजन का एक निदेशक मंडल होना चाहिए और उसके शीर्ष पर भी एक निदेशक होगा। तो अगर हम लोकपाल और लोकायुक्त एक्ट की बात करें और उसके तहत अगर कोई केस है, उसका केस का अगर मान लीजिए अभियोजन करना है, उसमें आगे कार्यवाही करनी है, तो उसके लिए भी एक निदेशक मंडल होना चाहिए, उस पर भी एक डायरेक्टर होगा। ऐसे नहीं कर सकते आप, यह निदेशक भारत सरकार के संयुक्त सचिव से नीचे का कोई अधिकारी नहीं होगा, मतलब ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल का अधिकारी इस निदेशक मंडल का डायरेक्टर होगा। फिर यह जो निदेशक मंडल है, ये केंद्रीय जांच ब्यूरो के नियंत्रण और निगरानी में काम करेगा और केसेस को आगे अभियोजन चलवाएगा। इसकी नियुक्ति केंद्र सरकार, केंद्रीय निगरानी आयोग, मतलब वही सतर्कता आयोग सीवीसी की अनुशंसा पर करेगी और इसका कार्यकाल भी 2 साल का होगा। तो इस तरीके से कुछ बदलाव वर्तमान में भारत में आपको मिलेंगे सीबीआई में जो हुए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये सीबीआई का संगठन भी हम लोग पढ़ चुके हैं, ये वही लगभग वही बातें वापस आ रही है। अब आइए सीबीआई के कार्य, क्या काम है। तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि सीबीआई जो है वो जांच एजेंसी है, भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध या इस तरह के कोई भी गंभीर मामलों में केंद्र सरकार के निर्देश पर ये जांच का काम करती है। तो सीबीआई के कार्य बहुत सिंपल से हैं, ये भारत सरकार के, केंद्र सरकार के कर्मचारियों के भ्रष्टाचार, घूसखोरी, दुराचार जैसे मामलों में जांच करती, अनुसंधान करती है, राजकोषीय और आर्थिक कानूनों के उल्लंघन के मामलों में अनुसंधान करती है। तो ये आर्थिक अपराध शाखा जो मैंने बताई थी वो आर्थिक मामलों में जांच करने का, जैसे आयात निर्यात नियंत्रण से संबंधित कानूनों का यदि अतिक्रमण हुआ है, सीमा शुल्क और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम जिसे हमारे यहाँ फेमा कहा जाता है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट आदि के उल्लंघन के मामलों में जाँच का काम करती है। तो ये कुल मिला के वही सारे जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अपराधों की जाँच करने का काम अलग अलग प्रकार के। फिर पेशेवर अपराधियों के संगठित गिरोह द्वारा किए गए ऐसे गंभीर अपराधों का अनुसंधान जिनका राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव हुआ। कई बार क्या होता है ना कि कुछ लोग ऐसे गुट बनाकर, ठीक है, अपना गिरोह बनाकर बड़ी बड़ी वारदातों को अंजाम देते हैं, जिससे कई बार पूरे देश में खलबली मच जाती है, पूरे देश में जिनका जो है आप देखेंगे कि चर्चा होने लगती है या पूरे देश पर उसका प्रभाव पड़ता है। कोई बहुत बड़ी जो है डकैती को अंजाम देना, या मान लीजिए कि बहुत सारी जगह पर जो है एक एक करके देश के अलग अलग भागों में किसी गिरोह के द्वारा लूटपाट की जाए, डकैती की जाए, तो ऐसे कोई पेशेवर अपराधियों के द्वारा जब कोई गिरोह के द्वारा कोई गंभीर अपराध किए जाएं तो उनका भी ये इन्वेस्टिगेशन करती है, उनकी भी जांच करती है। फिर भ्रष्टाचार निरोधक एजेंसी और विभिन्न राज्य पुलिस बलों के बीच समन्वय स्थापित करना। अभी मैंने आपसे कहा कि राज्यों में पुलिस होती है जो पुलिस राज्य सरकार के लिए काम करती है, तो उनके बीच कोऑर्डिनेशन, उनके साथ सहयोग करना, राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक मामले को अपने हाथ में लेना। अब एक क्वेश्चन ये था कि क्या सीबीआई सिर्फ भारत सरकार के लिए ही काम कर सकती है, क्या सीबीआई किसी राज्य सरकार के लिए राज्य के मामले को हाथ में नहीं ले सकती, तो ऐसा नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा कि सीबीआई भारत सरकार के लिए तो काम करती ही है, लेकिन यदि कोई राज्य चाहे या राज्य अनुरोध करे तो उस राज्य सरकार के अनुरोध पर भी सीबीआई जांच कर सकती है। कई बार आपने देखा होगा कि राज्यों में बड़े बड़े घोटाले उजागर होते हैं, राज्य में कई बार कोई बड़ी घटना हो जाती है, कोई बहुत बड़े व्यक्ति की हत्या हो गई हो या ऐसा कोई बड़ा अपराध हुआ हो, तो राज्य सरकार आम तौर पर यह कहती है कि हम इसकी सीबीआई जांच करवाएंगे, हम इस मामले को सीबीआई से जो है जांच करवाएंगे या हम इसकी निष्पक्ष जांच करवाएंगे।
तो यदि राज्य सरकार चाहे, राज्य सरकार आगे रहकर अनुरोध करे, तो सीबीआई जो है उनके मामलों को अपने हाथ में ले सकती है, उन मामलों में जांच कर सकती है। पर वो सीबीआई को कहेंगे तब, मतलब ऐसे बिना राज्य की सहमति से नहीं कर सकती, पर राज्य चाहे तो कर सकती है। आगे आपको समझ में? तो राज्य सरकार के अनुरोध पर किसी सार्वजनिक महत्व के मामले में, किसी विषय में ये जांच कर सकती है। जैसे मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला हुआ था, तो मध्य प्रदेश के व्यापम घोटाले में सीबीआई ने जांच की। या आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में आज से कुछ साल पहले आरुषि तलवार का एक जो है मर्डर केस हुआ था, एक मर्डर मिस्ट्री जिसको कहा जाता है, आरुषि हत्याकांड के नाम से भी जाना जाता है, उस मामले में भी सीबीआई ने जांच की थी। तो कई बार इस तरह के विशेष मामलों में, ठीक है, कई बार इस तरह के विशेष मामलों में राज्य सरकार सीबीआई से जांच आगे लेकर करवाती है। अपराध से संबंधित आंकड़ों का अनुरक्षण करना, आपराधिक सूचनाओं का प्रसार, तो अपराधों के समाप्ति के लिए या अपराधों को कम करने के लिए अपराधों के आंकड़ों की बड़ी ज़रूरत होती है कि भाई कितना क्राइम, कितने जो है अपराध, कहाँ, किस समय, कैसे हुए हैं, तो उनसे जुड़े हुए आंकड़े संग्रहित करना, कलेक्ट करना, इकट्ठा करना, उनका प्रसार करना, ठीक है, ये काम भी सीबीआई का है। तो सीबीआई इस प्रकार से आप देख सकते हो भारत सरकार की एक बहुअनुशासनिक अनुसंधान एजेंसी है जो भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराध और पारंपरिक अपराधों के अनुसंधान के मामले हाथ में लेती है। इज दैट क्लियर? भाई लाइक कर दो अगर आपने, देखो सेशन को लाइक नहीं किया हो, और अगर आप ये सेशन देख रहे हैं, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच पा रही है, तो सेशन को लाइक भी कर दें कृपया करके। अब क्लासेस डेली होंगी, है ना, मैंने आपसे कहा था कि एक बार हमारा स्टूडियो बन जाएगा तो उसके बाद हमारी क्लासेस डेली होंगी। कर दियो लाइक? चलिए, तो ये क्या करती है कि किस तरह के अपराधों को, किस तरह के मामलों को हाथ में लेती है, आपने देख लिया। सामान्यतः केंद्र सरकार, केंद्र शासित प्रदेश और भारत सरकार के जितने लोक उद्यम हैं, सार्वजनिक उपक्रम हैं, उनके कर्मचारियों के, अधिकारियों के भ्रष्टाचार के अनुसंधान तक ये अपने आप को सीमित रखती है। तो आम तौर पर जो सीबीआई का दायरा है ना, वो भारत सरकार तक सीमित है। भारत सरकार के अधिकारी, भारत सरकार के कर्मचारी, भारत सरकार के उपक्रमों के कर्मचारी, अधिकारी, केंद्र शासित प्रदेश में काम करने वाले लोग, इनके लिए ये जो है अपने सीमित रखती है। ये हत्या, अपहरण, बलात्कार जैसे गंभीर अपराधों के मामले में भी राज्य सरकारों द्वारा संदर्भित, जो मैंने आपको बताया कि यदि राज्य की सरकार स्वयं चाहे तो वहाँ किसी विशेष अपराध में, गंभीर अपराध में जांच कर सकती है, पर वो राज्य सरकार की इच्छा होती है तो। ऐसे मामले उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा निर्देश प्राप्त होने पर भी सीबीआई अपने हाथ में लेती। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है, जो मैं आपसे पहले भी बोल चुका हूँ, कि ऐसा ज़रूरी नहीं कि राज्य सरकार आगे रह के रिक्वेस्ट करे। राज्य सरकार अगर नहीं भी कह रही है, लेकिन अगर हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट कहे, तो सीबीआई किसी मामले की जांच राज्य में जाके कर सकती है। ये न्यायपालिका के कहने पर भी किसी मामले को अपने हाथ में ले सकती है। सीबीआई भारत में इंटरपोल जो है उसके नेशनल सेंट्रल ब्यूरो के रूप में भी काम करती है, तो एक प्रकार की नोडल एजेंसी है जो अंतर्राष्ट्रीय पुलिस के साथ तालमेल बैठा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम करती है। सीबीआई की इंटरपोल शाखा एक जो कानून लागू करने वाली भारतीय एजेंसियों और इंटरपोल के सदस्य देशों के अनुसंधान संबंधी गतिविधियों का समन्वय, एक कोऑर्डिनेशन करने का काम करती है। अब आते हैं पूर्वानुमति का प्रावधान। तो यहाँ सीबीआई को लेकर एक मैटर ये भी है कि सीबीआई किस लेवल, किस रैंक तक के अधिकारियों की जांच कर सकती है, या किस तरह के अधिकारियों की जांच करने से पहले इसको अनुमति लेनी पड़ेगी, इसको परमिशन लेनी पड़ेगी। तो केंद्र सरकार और उसके प्राधिकरण में जो संयुक्त सचिव, जिसको आप ज्वाइंट सेक्रेटरी कहते हैं, संयुक्त सचिव के पद पर जो लोग बैठे हैं या उससे ऊपर के अधिकारी जो है, उनके द्वारा यदि कोई अपराध किया जाता है या उसकी कोई शिकायत है, तो उसकी जांच करने के लिए सीबीआई को सीवीसी से अनुमति लेनी पड़ती है। आगे समझ में? तो सीधी सी बात है कि यदि भारत सरकार में कोई ऐसा अधिकारी है जिसका पद जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर का है,
मतलब एक सीनियर आईएएस है कुल मिला के, ज्वाइंट सेक्रेटरी है, एडिशनल सेक्रेटरी है या सेक्रेटरी है, तो कोई बड़े पद पर बैठा हुआ या जिसको बड़ी मछली कहते हैं। तो यदि कोई बड़ी मछली है, यदि कोई बड़ा अधिकारी है इससे ऊपर का, तो उसके खिलाफ़ अगर कोई बात हुई, उसके खिलाफ़ कोई मामला है, कोई अपराध की जाँच करनी है, तो उस मामले में सीबीआई सीवीसी की परमिशन के बाद ही जांच कर सकती है। उसको क्या करना पड़ेगा, उसको केंद्रीय सतर्कता आयोग, ठीक है, तो उसके लिए केंद्रीय निगरानी ब्यूरो, ठीक है, जो सीवीसी है वो केंद्र सरकार की पूर्वानुमति लेगा, उसके बाद ही सीवीसी उस मामले की जांच कर सकता है। उस मामले में मतलब कुल मिला के बड़े अधिकारियों तक अभी हम कह सकते हैं सीबीआई इतनी आसानी से उनके ऊपर हाथ नहीं डाल सकती, ये इतनी आसानी से उनको जो है दबोच नहीं सकती। हालांकि 6 मई 2012 को सुप्रीम कोर्ट ने उस कानूनी प्रावधान को अमान्य कर दिया जिसमें केंद्रीय निगरानी ब्यूरो को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत वरिष्ठ नौकरशाहों के खिलाफ जांच करने के लिए पूर्वानुमति की जरूरत थी। तो इस चीज को चेंज किया सुप्रीम कोर्ट ने कि भाई ऐसा नहीं चलेगा, अगर सीबीआई को हर बार ऐसी परमिशन लेनी पड़ेगी तो फिर भारत सरकार की ये एजेंसी काम ही नहीं कर पाएगी। इस तरीके से तो सीबीआई के आपने एक प्रकार से कहें कि जो है नाखून ही काट दिए। अगर ये किसी बड़े अधिकारी के ऊपर कार्रवाई करने जाए तो इसको परमिशन के लिए रुकना पड़ेगा और कई बार परमिशन नहीं मिलती है। अगर अनुमति नहीं मिली, परमिशन नहीं मिली, तो वो व्यक्ति भ्रष्टाचार के का जो है अपराध में भी बच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ऐसा नहीं चलेगा और उसने क्या किया, उसने कहा कि यदि आप किसी वरिष्ठ नौकरशाह के खिलाफ जांच करना चाहें तो आपको कोई पूर्वानुमति की जरूरत नहीं है, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो अधिनियम जो था दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, उसकी एक धारा है 6A, इस धारा के तहत सीबीआई को परमिशन की जरूरत होती थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की जो धारा 6 है 6A, ये अमान्य है, ये असंवैधानिक है, ये मतलब गैर कानूनी एक प्रकार से, और इसका अगर ये धारा की बात माने तो ये संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी और उससे ऊपर के अधिकारियों को भ्रष्टाचार के मामले में बचा लेगी और केंद्रीय जांच ब्यूरो जो है वो इनके ऊपर जांच नहीं कर पाएगा क्योंकि इसको उनके दायरे से बाहर कर दिया। समझ में आया कि नहीं आया, फिर से समझाता हूँ, ज़रा ध्यान से समझिए। सीबीआई किस कानून से चलती है आपको पता है, दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946, इस कानून के तहत सीबीआई काम करती है, सीबीआई की शक्तियाँ इसी कानून से है। तो दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम में एक धारा थी, एक सेक्शन था 6A, जो ये कहता था कि अगर सीबीआई को संयुक्त सचिव, जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर के किसी अधिकारी के खिलाफ जांच करनी है तो उसको पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस धारा को अमान्य करार दिया कि यदि ऐसा होगा तो फिर बड़े बड़े अधिकारी सीबीआई के दायरे से बाहर हो जाएंगे और फिर सीबीआई उनके ऊपर कार्यवाही नहीं कर पाएगी तो वो बेखौफ होकर भ्रष्टाचार कर सकते हैं, निडर होकर कर सकते हैं। तो अदालत के जो है इस आदेश के बाद, ठीक है, इन्होंने 6A को जो है इस कानून में अमान्य ठहराया और उन्होंने ये भी कहा कि ये हमारे संविधान की धारा 14 का उल्लंघन है, जो कहते ना विधि के समक्ष समता। जब आप कहते हैं विधि के समक्ष समता तो फिर विधि के समक्ष समता कहाँ है, बड़े अधिकारियों को तो आप छोड़ रहे हो और छोटे छोटे अधिकारियों को आप पकड़ रहे हो, इनके खिलाफ जाँच कर रहे हो, तो बड़े अधिकारियों और छोटे अधिकारियों में ये अंतर क्यों है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नहीं, ये विधि के समक्ष समता, इक्वालिटी बिफोर लॉ जो है, अनुच्छेद 14 जो भारत के संविधान का फंडामेंटल राइट है आप लोगों का, ये उसका भी उल्लंघन है, ऐसे आप ऊंच नीच नहीं रख सकते। एक भ्रष्टाचारी होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो छोटा कर्मचारी हो, चाहे वो बड़ा अधिकारी हो या वो सबसे बड़ा अधिकारी हो, एक करप्ट ही होगा हमेशा। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप इस धारा को हटाओ। इस अदालत के आदेश का जो है सीबीआई ने स्वागत किया, उन्होंने ये भी कहा कि ये एक ऐतिहासिक फैसला है क्योंकि इससे सीबीआई को और शक्तियां मिलेगी और सीबीआई को जो है सक्षम बनाएगी, मतलब सीबीआई बड़े बड़े जो अधिकारी हैं उनके ऊपर भी मामलों की जांच कर सकेगी। संविधान पीठ ने जिस प्रावधान को समाप्त कर दिया है उससे लटके पड़े केसों का निपटारा होगा,
कई सारे बड़े अधिकारियों के खिलाफ केसेस पेंडिंग थे क्योंकि सीबीआई को परमिशन के लिए वेट करना पड़ रहा भारत सरकार की। अब भारत सरकार परमिशन दे ही नहीं रही है तो जांच कैसे होगी? इज दैट क्लियर? तो ये पूर्वानुमति का प्रावधान जो है ये आपको ध्यान रखना है, अब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बढ़िया काम किया इस मामले में, सीबीआई को थोड़ा सा अधिकार दे दिया है। तो उन्होंने ये कहा कि एक भ्रष्ट नौकरशाह, सुप्रीम कोर्ट का ये मानना है जो मैंने भी आपसे कहा कि एक भ्रष्ट नौकरशाह, एक सिविल सर्वेंट अगर करप्ट है तो वो करप्ट है, चाहे वो किसी भी पद पर हो। तो उसको चाहे वो कितने भी ऊंचे पद पर क्यों ना हो, उसको खोज निकालना, उसको दंड दिलवाना, यही भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के अधीन एक अनिवार्य अधिदेश है। फिर उस कानून का फायदा क्या है कि अगर आप छोटों को सजा दे रहे हो, बड़ों को नहीं दे रहे हो? ठीक है, सरकारी सेवक होने से उसे कोई समान न्याय की छूट के योग्य नहीं बनता, मतलब सबको समानता, विधि के समक्ष सब समान है, उसके साथ भी वही होगा जो दूसरों के साथ होगा, किसी तरह का कोई छूट, किसी तरह का कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। निर्णय लेने की शक्ति भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं बांटती क्योंकि वे एक सामान्य अपराधी है। इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा इसका बहुत दूरगामी परिणाम हुआ और वर्तमान में सीबीआई जो है बड़े अधिकारियों के ऊपर भी अपनी जांच का दायरा विस्तृत कर सकती है, चाहे वो संयुक्त सचिव से ऊपर का हो। पीठ ने कहा कि दिल्ली पुलिस विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम की धारा 6A, जिसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, जो कि एक बड़े अधिकारी या ऊपर के दर्जे के अधिकारियों को सुरक्षा देता है, ये सीधे सीधे नुकसान पहुंचा रहा है। ठीक है, ये भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के लक्ष्य और तर्क के खिलाफ है और बड़े बड़े भ्रष्टाचारियों को पकड़ने और दंडित करने के लक्ष्य को ये कमजोर करता है। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये जो है हमने देखा भारत में सीबीआई किस तरीके से काम करती है, किस तरीके से उसका अधिकार है, किस तरीके से उसकी शक्तियां हैं। अभी वर्तमान में भी आपने देखा है कि सीबीआई चर्चा में है, तो उस समय भी मैंने आपसे कहा था कि थोड़ा सा इस पर ध्यान रखिएगा। एक चीज़ ये है कि लगातार सीबीआई के दुरुपयोग के जो मामले आ रहे हैं या सीबीआई के दुरुपयोग की जो शिकायतें आ रही हैं, इससे कहीं ना कहीं मैं आपसे कह रहा हूँ कि राज्यों में सीबीआई को लेकर अविश्वास बढ़ रहा है। यदि राज्यों में सीबीआई के को लेकर अविश्वास बढ़ रहा है, वो सीबीआई की कार्रवाई को शक या संदेह की नज़र से देख रहे हैं, तो ये भारतीय संघवाद के लिए या हम कहें कि ये सहकारी संघवाद के लिए, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। ये इसलिए अच्छा नहीं है क्योंकि हम चाहते हैं कि केंद्र और राज्य मिलकर काम करें, आपस में सहयोग के साथ काम करें, समन्वय के साथ काम करें और केंद्र राज्य संबंधों में तनाव कम हो। सीबीआई जैसी संस्था का गठन भारत में भ्रष्टाचारियों को सजा दिलाने के लिए किया गया था, भारत में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए, रोकथाम के लिए किया गया था, न कि सीबीआई का गठन केंद्र राज्य संबंधों में तनाव पैदा करने के लिए किया गया था। ये केंद्र राज्य संबंधों में तनाव पैदा करने के लिए, उनको लड़ाने के लिए नहीं है कि आपस में कोई मुद्दा है जिसको लेकर केंद्र और राज्य आपस में लड़ते रहें। सीबीआई का जो असली उद्देश्य है वही हमें प्राप्त करना है। सीबीआई हम क्यों चाहते हैं, सीबीआई की ज़रूरत क्या है? अब ऐसा तो नहीं है कि अगर मान लो शिकायतें आ रही हैं तो सीबीआई को ख़त्म कर दें। हमेशा आप एक बात सुनते होंगे कि किसी भी चीज़ के खिलाफ अगर कोई शिकायत आ रही है या कहीं कोई कमी है तो उस चीज़ को छोड़ देना कोई समाधान नहीं होता, उसमें सुधार करना। अगर मान लीजिए कि आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और यूपीएससी की तैयारी के दौरान आपका सिलेक्शन नहीं हो पाया, पिछले एक दो बार से ही आपका एग्ज़ाम नहीं निकल पाया है, तो तैयारी को छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है, उस तैयारी में जो कमियां हैं उसको ठीक करना सॉल्यूशन है और तब आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा केस सीबीआई के साथ है कि अगर सीबीआई की कार्यप्रणाली पर कोई क्वेश्चन उठ रहे हैं, सीबीआई की कार्यवाही को लोग शक या संदेह की नज़र से देख रहे हैं और सीबीआई में कुछ कमियां हैं तो उसे दूर करिए। सीबीआई को खत्म करना, सीबीआई को समाप्त कर देना कोई समाधान नहीं, क्योंकि सीबीआई की जगह अगर आप कोई नई संस्था लाओगे तो वहां भी इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत सीबीआई की जो कमियां हैं उनको दूर करना। सीबीआई, जैसा कि आपको पता है कि हम बात कर रहे हैं कि उसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठते हैं, हमने कई सारे काम किए हैं, प्रावधान किए हैं सीबीआई की निष्पक्षता को बरकरार रखने के लिए या स्थापित करने के लिए।
हमने सीबीआई के डायरेक्टर को 2 साल के कार्यकाल की सुरक्षा दी कि नहीं दी, आपने देखा अभी। हमने सीबीआई के डायरेक्टर की नियुक्ति में विपक्ष के नेता को शामिल किया कि नहीं। तो कहीं ना कहीं सीबीआई के पुराने अगर कुछ सालों में देखें तो हमने काफ़ी ज़्यादा सुधार सीबीआई में किए हैं, लेकिन अभी और ज़रूरत है। सीबीआई को और स्वायत्त बनाना चाहिए। सीबीआई को सबसे पहले तो एक कानून देना चाहिए। भाई अभी जिस कानून के तहत ये काम कर रही है वो कानून अंग्रेजों के ज़माने का है। अभी सीबीआई जिस कानून के तहत काम कर रही है वो सीबीआई का है ही नहीं, वो तो इसको बाद में मिल गया। सीबीआई का एक विशेष कानून बनाए भारत सरकार, संसद से एक कानून पास करवाया जाए जिसमें सीबीआई की शक्तियों का, सारी चीज़ों का व्यवस्थित रूप से उल्लेख हो। और ऐसी कोई भी चीज़ जैसे इस कानून में धारा 6A मैंने आपको बताया जिसे सुप्रीम कोर्ट को हटाना पड़ा, इस तरह की कोई धाराएं हैं, इस तरह के कोई प्रावधान हैं तो वो ना शामिल किए जाएं। इसके कार्य प्रणाली, इस कार्य क्षेत्र को विस्तार और ज़्यादा विस्तारित किया जाए और ऐसी कोशिश की जाए कि कहीं भी कोई इसकी जांच के ऊपर क्वेश्चन नहीं उठा सके। अगर ये संस्था निष्पक्ष होकर काम करती है, स्वतंत्र होकर काम करती है, स्वायत्त होकर काम करती है तो कोई क्वेश्चन नहीं उठा पाएगा इसके ऊपर, फिर इसकी जांच का सम्मान करेंगे लोग। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? ये कुछ सुझाव है, यदि हम इन सुझावों पर काम करते हैं तो डेफिनेटली सीबीआई में भी सुधार होगा और डेफिनेटली सीबीआई से जो उम्मीद हम करते हैं, जैसे इसके लिए आप एफबीआई का एग्जांपल ले सकते हैं कि एफबीआई कितने इफेक्टिव तरीके से काम करती है। एफबीआई की स्वतंत्रता, एफबीआई की जो अधिकार है वो काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी विस्तृत है, उससे सीख सकते हैं हम लोग। तो इस तरीके से सीबीआई का ये मामला हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सेशन अच्छा लगा, और अच्छा लगा नहीं लगा लेकिन समझ में आया होगा। आगे के जो सेशंस हैं लक्ष्मीकांत के वो इसी तरीके से हमारे चलते रहेंगे। लक्ष्मीकांत आपको यहाँ पर पूरी में करवाऊँगा। इसी के साथ हमारा जो आधुनिक भारत का क्रैश कोर्स है वो भी कल से शुरू हो जाएगा। कल ठीक 11:30 से 1 बजे वाला जो सेशन होगा उसमें मैं आप लोगों को भारत में जलियांवाला बाग हत्याकांड, असहयोग आंदोलन के बाद क्या हुआ, स्वराज पार्टी की स्थापना हुई वो हम देखेंगे, साइमन कमीशन हम लोग देखेंगे, और हम लोग चलेंगे द वेरी फेमस दांडी मार्च, दांडी यात्रा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की तरफ। ठीक है, तो इस सेशन को लाइक करिए। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो इसे लाइक करना ना भूले। इसी के साथ अनअकैडमी जो है, अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को आप ले सकते हैं। अभी थोड़ा बाकी है, सीबीआई पूरा नहीं हुआ है, सीबीआई के बारे में कुछ चीज़ें बाकी है, जैसे सीबीआई बनाम राज्य पुलिस, जो भी चीज़ें बाकी आगे की वो अगली क्लास में हो जाएंगी अगले टॉपिक के साथ। सो डोंट वरी कि ये कोई बीच में छूटेगा नहीं, अभी ये चैप्टर पूरा हुआ नहीं है। ठीक है, तो ये मेरा रेफरल कोड है CKLIVE। आप में से कोई भी यदि अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहे 1 साल 1.5 साल 2 साल 3 साल तो आप CKLIVE रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं। इस कोड को यूज़ करिए क्योंकि मैं हिस्ट्री पॉलिटी आपको बहुत डेप्थ में पढ़ाता हूँ, इससे आपको मेरा पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, लगातार मैं आपको गाइड कर सकता हूँ और आपको अनअकैडमी की तरफ से नोट्स, टेस्ट सीरीज सब कुछ मिल जाएगा। तो ये रेफरल कोड यूज़ करिए जब भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लें। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद, बाय, लेट्स क्रैक इट।